हेलो दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हमारी अलजेब्रा की क्लास तीसरी है और दो क्लास पूरी कंप्लीट हो गई हैं और दो क्लास हमने जो है 18 क्वेश्चन देखे हैं अभी। आज हमारा जो क्वेश्चन है 19, 19वां क्वेश्चन क्या है देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो 19वां जो क्वेश्चन है हमारा क्या है, क्वेश्चन के अंदर वैल्यू दे रखी है, यदि 2x+1/4x=2 तो इसने पूछा है x²+1/64x², इसकी वैल्यू पूछी है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, 0, 1, 1/4 और 2, A, B, C, D। ठीक है, 2x+1/4x दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, x²+1/64x² पूछा है। इस चीज़ को हमें निकालना है, कौन सी वाली चीज़ से, इससे निकालना है। तो मुझे बताओ, अगर यहाँ पे इसका स्क्वायर कर दूँ इधर भी और इधर भी, तो 4x² हो जाएगा, लेकिन हमें चाहिए क्या, x² चाहिए। तो देखो क्या करना है, हमें इस वाली चीज़ से ये वाला निकालना है, तो इसे क्या करना है, x² बनाने के लिए यहाँ क्या कर दे, 2 से भाग दे दें यहाँ पर। अगर 2 से यहाँ भाग कर दूँगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो देखो यहाँ अगर मैं 2 से भाग देता हूँ, यहाँ बस इतना देखना है कि मुझे x² चाहिए, तो यहाँ पर क्या करूँ कि मेरा x² बन जाए, 2 से गुणा करूँ, भाग करूँ, 3 से, जो तुम्हारे मन में आए, 2 से, 3 से, 4 से, जो भी करें, हमारा सिर्फ क्या होना चाहिए, x² रहना चाहिए। तो देखो यार, 2x है, यहाँ 2 से भाग कर दो, 2x/2। ऐसा नहीं कि इस अकेले में करके छोड़ देंगे, हमें क्या करना है, पूरे में करना है। ठीक है, 2x/2+1/4x(2) बराबर क्या भाई, 1/2। यहाँ भी किया, यहाँ भी किया और यहाँ भी किया, इससे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, या और यहाँ तो कैंसिल होगा नहीं कुछ, तो क्या हो जाएगा, x+1/8x=1/2। अब देखो अभी भी निकला नहीं है, अगर यहाँ से दिख रहा है, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा, x² बन जाएगा, और 1/8x का क्या हो जाएगा, 1/64x² हो जाएगा। जो फॉर्मूला है कौन सा वाला, a+b² वाला भाई, a+b² फॉर्मूला सबको पता है, a²+b²+2ab, पता है कि नहीं पता है, मालूम अच्छे से, इसी वाले फॉर्मूले से इसे खोल देना, तो बताओ क्या हो जाएगा, x² प्लस, इसे मिटा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं इसे, तो x² प्लस इसका स्क्वायर करेंगे 1/8x, तो कितना हो जाएगा, 1/64x² + 2, इसका मल्टीप्लाई x × 1/8x, और ये कितना हो जाएगा, 1/4। दोनों साइड में हमने क्या कर दिया, स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारी चीज़ निकालनी है, x²/1/64x², यही वाली चीज़ तो है भाई, ये वाली। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं x से x कैंसिल हो जाएगा और 2 से ये 8 कैंसिल हो जाएगा 4। ठीक है, ये हो जाएगा x²+1/64x² (1/4=1/4). देखो दोनों तरफ 1/4+ का है तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से निकलेगा वैल्यू, निकलेगी कि x²+1/64x² = 0। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, 0, ये वाला। ठीक है, आगे समझ में, अगला क्वेश्चन देखें, 20। अगला क्वेश्चन देखो भाई, 20 क्या है, देखो इसने दे रखा है x+1/9x=4, और इसने वैल्यू जो पूछी है 9x²+1/9x² की वैल्यू पूछी है। ऑप्शन दे रखे है इसने 140, 142, 144, 146, चार ऑप्शन दे रखे हैं, वही बताओ कैसे निकालेंगे, 9x²+1/9x², ये बताओ मुझे, अगर मैं यहाँ पर दोनों साइड में स्क्वायर कर दूँ, क्या ये वाली चीज़ बन जाएगी, नहीं बनेगी किसी हाल में, क्योंकि x²+1/81 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81, मुझे चाहिए 9x², यानी कि ये करना बिल्कुल भी क्या हो जाएगा, मेरा गलत हो जाएगा भाई, तो इसे नहीं करूँगा। ठीक है, 9x², ये किसका स्क्वायर भाई, ये 3x² है कि नहीं, 3x² है, यानी मुझे यहाँ पर हर हाल में 3x बनाना है। तो 3x कैसे बनेगा, 3 का पूरे में क्या कर दूँ, मल्टीप्लाई कर दूँ, जैसे अभी ऊपर वाला जो क्वेश्चन था उसमें क्या कर रहे थे हम,
टू से डिवाइड कर रहे थे दोनों साइड में, बोथ साइड में क्या कर रहे हैं, टू से डिवाइड कर रहे थे। यहाँ पे क्या करेंगे, थ्री से दोनों साइड में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मुझे थ्री एक्स बनाना है। तो यहाँ भी थ्री का मल्टीप्लाई, यहाँ भी थ्री का मल्टीप्लाई, यहाँ भी थ्री का मल्टीप्लाई, यहाँ थ्री से मल्टीप्लाई करूंगा थ्री एक्स हो जाएगा, यहाँ थ्री से करूंगा थ्री अपॉन नाइन एक्स, और यहाँ कितना जाएगा फोर इंटू थ्री, ये हो गया थ्री एक्स प्लस, यहाँ डिवाइड कर दूँ वन अपॉन थ्री, कितना हो जाएगा वन अपॉन थ्री एक्स इक्वल टू कितना होगा 12। ठीक है भाई, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, इसकी। मैंने पिछली वाली सेकंड क्लास में बताया था कि क्वेश्चन के अंदर अगर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इजिकल टू ए दे रखा है और क्वेश्चन के अंदर पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर कितना होगा, तो क्या बताया था भाई, ए स्क्वायर माइनस टू, यानी ए जो वैल्यू दे रखी है इसका स्क्वायर करो दो माइनस कर दो। तो भाई क्या पूछा है, थ्री एक्स प्लस वन अपॉन थ्री एक्स का बराबर 12 दे रखा है, वैल्यू निकालनी है इसकी, यानी इसका क्या है, ये वाला दे रखा है, ये पूछा है, तो क्या निकालना है इसका, नाइन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन नाइन एक्स स्क्वायर, ठीक है, और 12 का स्क्वायर और माइनस दो, कितना हो 12 का स्क्वायर 144, 144 में से दो माइनस करूंगा, आंसर कितना आ जाएगा भाई 142। ठीक है, ये आ गया। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैं यहाँ पर दोनों साइड में स्क्वायर करूँ, यहाँ पर दोनों साइड में इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, तब भी यही वाली चीज़ निकल के आएगी, नाइन एक्स स्क्वायर प्लस वन पॉइंट नाइन एक्स स्क्वायर, और ये जो दो इधर है वो किधर होगा, इधर होगा। जब पूरा सॉल्व करेंगे आंसर कितना आएगा 142। भाई अच्छी तरीके समझ आ गया होगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर है 142। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या है, अगला क्वेश्चन दे रखा है एक्स थ्री माइनस टू अपॉन एक्स इजिकल टू थ्री अपॉन एक्स, क्वेश्चन के अंदर वैल्यू निकालनी है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ऑप्शन दे रखे हैं तीन सही एक बट्टे नौ, सेकेंड ऑप्शन है तीन सही दो बट्टे नौ, दो सही एक बट्टे नौ, और फोर्थ ऑप्शन है दो सही चार बट्टे नौ। ये वैल्यू दे रखी है, ये वाली चीज निकालनी है, ठीक है, इस वाली चीज से ये निकालना। तो भाई यहाँ पे कुछ कर सकता हूँ क्या, मैं यहाँ पे अभी फिलहाल कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ यहाँ पे एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करने के सिवाय। तो एक्स का जब अंदर मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो जाएगा, थ्री एक्स हो जाएगा, माइनस टू एक्स अपॉन एक्स इजिकल टू थ्री अपॉन एक्स, इस एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये कितना होगा थ्री एक्स। अब देखो मुझे चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो डायरेक्ट तो यहां से निकलेगा नहीं, तो अगर मुझे एक्स प्लस वन अपॉन एक्स मिल जाए तो क्या करूंगा, उसका स्क्वायर करके वैल्यू आराम से निकल सकते हैं। तो थ्री एक्स, ये थ्री अपॉन एक्स इधर है, इधर ले आया माइनस थ्री अपॉन एक्स, और ये वाली जो माइनस टू बची किसे ले गए, इधर ले गए ऐसे। यहाँ तीन अगर कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इजिकल टू टू, यानी कि एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इजिकल टू टू बाई थ्री, यहां से वैल्यू निकला है x माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू टू पॉइंट थ्री, वैल्यू चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की। तो देखो इसका भी फॉर्मूला लिखवाया था, अगर फॉर्मूला नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं, हमें एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर चाहिए, कैसे निकलेगा, अगर यहीं पर मैं दोनों साइड में स्क्वायर कर दूँ, दोनों साइड में क्या कर दूँ स्क्वायर कर दूँ, तो बताओ कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर और माइनस टू इजिकल टू टू बाई थ्री यानी फोर अपॉन नाइन, यहाँ से निकाल दूंगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इजिकल टू फोर अपॉन नाइन प्लस टू। तो इसे क्या लिख सकता हूँ भाई, इसे सीधा सीधा लिख सकता हूँ दो सही चार बट्टे नौ, आंसर कौन सा हो जाएगा ये भाई, समझ आ गया कि नहीं आ गया, समझ आ गया होगा भाई, एक एक स्टेप बिल्कुल क्लियर करके चल रहा हूँ भाई, एक भी स्टेप कोई मिस नहीं, डायरेक्ट भी कर सकते थे लेकिन वो मैंने अभी नहीं बताया, ये बेसिक तरीके से बिल्कुल सिंपल तरीके से, हार्ड नहीं है लेंदी नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए 22। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इजिकल टू दे रखा है टू, क्वेश्चन के अंदर पूछा है हो तो एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू पूछी है,
और इसने ऑप्शन दे रखे हैं -2, 0, 1, -1। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² = 2। देखो यहाँ पर थोड़ी सी एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे देख लेना है, दो फॉर्मूले लिखा देता हूँ यहाँ पर। अगर मुझे एक्स प्लस 1/x² खोलना हो तो कैसे खोलूँगा भाई? इस एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² + 2, ये फॉर्मूला होता है इसका ना। एक्स प्लस 1/x² का होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² + 2। अगर यहीं पे मैं लिखूँ एक्स माइनस 1/x², ये फॉर्मूला कहीं और से नहीं आया भाई, जैसे ए प्लस बी का स्क्वायर है उसी तरीके से है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² - 2। यहाँ पर देखो एक्स प्लस 1/x और एक्स माइनस 1/x दोनों के स्क्वायर ये वाली चीज़ तो सेम है भाई। अगर प्लस वाला तो प्लस का 2 है, माइनस तो माइनस का 2 है। क्वेश्चन के अंदर एक्स माइनस 1/x चाहिए, एक्स माइनस 1/x। अगर यहाँ पर देखो एक्स माइनस 1 निकालने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², अगर यहाँ पर -2 कर दूँ यहाँ पर, बताओ एक्स माइनस 1/x² फॉर्मूला बनाया कि नहीं बनाएगा? बन जाएगा भाई, मुझे एक्स माइनस 1/x चाहिए। अगर यहाँ पर -2 करूँ तो किसका फॉर्मूला बनेगा, एक्स माइनस 1/x². अगर यहीं पर +2 करूँगा तो किसका बनेगा, एक्स प्लस 1/x² मुझे चाहिए एक्स माइनस 1/x। तो बताओ यहाँ पे क्या कर दूँ भाई, ये फॉर्मूले दोनों अच्छी तरीके से पता होने चाहिए, इसका बहुत बड़ा रोल है। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², अगर यहाँ -2 कर दूँ, ऐसा तो नहीं इधर ही करके छोड़ दूंगा, जो भी काम करना दोनों साइड में करना, बराबर 2 - 2। यहाँ माइनस ही क्यों किया मैंने भाई, प्लस क्यों नहीं किया? माइनस इसलिए किया है क्योंकि माइनस की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 2 करूंगा तो एक्स प्लस 1/x की वैल्यू निकलेगी। तो यहाँ से हो जाएगा, ये किसका फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² - 2, किसका है, एक्स माइनस 1/x² का स्क्वायर, यानी कि एक्स माइनस 1/x का क्या है, स्क्वायर, ये पूरा का पूरा, ठीक है। और बराबर कितना, 0। एक्स माइनस 1/x कितना हो जाएगा इसका, एक्स माइनस 1/x = 0। इसका भी रूट ले लूँ, इसका भी रूट ले लूँ, 0 का तो 0 आएगा, इधर से हट जाएगा, इसका कितना है, एक्स माइनस 1/x = 0। आ गया समझ भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 23। इसे दे रखा है p² + q² + 7pq, और इसके इसमें पूछा है कि p/q + q/p = ? ऑप्शन दे रखे हैं 9, 5, 7, 3। ठीक है, p² + q² + 7pq दे रखा है, p/q + q/p चाहिए। अब देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, मैं साफ साफ दिख रहा है, अगर pq का इधर डिवाइड कर दूँ यहाँ भी और यहाँ भी, तो अपने आप चीज़ निकल के आ जाएगी। कैसे, जैसे p² / pq + q², अच्छा क्वेश्चन थोड़ा मैं गलत लिख दिया भाई, यहाँ पर यहाँ प्लस नहीं है, बराबर है ना, ये q² / pq = 7pq/pq। क्या किया मैंने, pq से इधर भी डिवाइड किया, इधर भी किया, इधर भी किया, दोनों साइड pq से डिवाइड कर दिया। मतलब इस यहाँ p से p कट जाएगा, इस q से q कट जाएगा, इस pq से पूरा पूरा pq कट जाएगा, यानी क्या निकलेगा, p/q + q/p = 7। वैल्यू किसकी चाहिए थी, इसी की चाहिए थी, ये निकल के आ गया, ठीक है। कितना आंसर हो जाएगा इसका, 7। दोस्तों अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही हो, क्वेश्चन समझ आ रहे हो, तो वीडियो को जो है हमारे को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और दोस्तों को बताओ भाई, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है अपने दोस्तों को बताओ कि भाई ये चैनल ठीक है और सब्सक्राइब कर लो इसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, अगला क्वेश्चन है 24। क्या है, x² - 3x + 1 = 0, ये दे रखा है। इसने बोला है x≠0 और वैल्यू पूछ रहा है x + 1/x की वैल्यू पूछ रहा है। क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 3, 7,
9, 11, चार ऑप्शन है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकालनी, निकालनी कहां से भाई, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू जो निकालनी कहां से निकालनी, यहीं से निकालनी। कैसे करेंगे देखो, अभी यहां एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स चाहिए कहां से, यहां से। तो जो स्क्वायर है पहले तो इसे किस में लाना है, सिंगल लाना है एक्स में। सिंगल एक्स कब आएगा भाई, जब एक्स से क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, इधर एक्स से डिवाइड करूंगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 3x अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, और जब जीरो में एक्स से डिवाइड करूंगा कितना आएगा, जीरो आएगा। वो तो एक्स से एक्स कट जाएगा, इस एक्स से एक्स कट जाएगा, यानी कि एक्स और ये वाला 1 प्लस एक्स से पहले लिख दूँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और माइनस 3 इजिकल टू 0, यानी कि एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इजिकल टू कितना आ गया, 3। बताओ भाई कुछ ज़्यादा टाइम लग रहा है क्वेश्चन के अंदर, कोई भी ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा, सिर्फ तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। एक बार क्वेश्चन देखो, पहली बार देख लो समझ नहीं आएगा, इसी चीज को अगर दो बार देखोगे तो अपने आप तुम्हें रट जाएंगे कौन सा वाला तरीका लगाना है। तो आसानी से होगा, एक दो तीसरे स्टेप में आंसर है, इसे भी करने की जरूरत नहीं थी, यहीं पर आ गया आंसर। तो बराबर क्या है, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स निकालना है, तो माइनस 3 बराबर 0, तो इसे बराबर ले जाए, कितना आंसर है 3, ये भी करने की जरूरत नहीं, कितना हो गया आंसर इसका 3। अगला क्वेश्चन देखो भाई, 25। ट्वेंटी फाइव क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इजिकल टू 0। क्वेश्चन के अंदर पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू पूछी है, ठीक है। इसने दे रखा है, ऑप्शन दे रखे हैं 3, 7, 9 और 11, 3, 7, 9, 11, ठीक है। देखो ये क्या, यहाँ पे क्या निकालना है, अभी ऊपर वाला जो क्वेश्चन था सिर्फ पूछा था एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, यहाँ चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स कब आएगा, जब मुझे एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकल आई, जब एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू पता है, दोनों साइड स्क्वायर कर दूंगा, अपने आप निकल आएगा। तो देखो क्या करूँ, यहाँ पर जो अभी पहले वाले ऊपर वाले क्वेश्चन में एक्स से डिवाइड किया था, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 3x अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इजिकल टू 0, तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इजिकल टू 3। तो यहाँ तक तो सेम क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पर चेंज हो गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर चाहिए भाई, ठीक है। कैसे करेंगे बताओ, यहाँ पर दोनों साइड में स्क्वायर कर दूँ, दोनों साइड में क्या कर दूँ, स्क्वायर कर दूँ। इसका स्क्वायर थोड़ी देर पहले क्या लिखवाया था भाई, इसका ये लिखवाया था एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसका स्क्वायर यह है कि नहीं, इधर भी स्क्वायर कर दिया और इधर भी स्क्वायर कर दिया, और 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू निकालूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इजिकल टू 9 माइनस 2, आंसर कितना आ जाएगा इसका, 7। भाई आ रहा है समझ के, नहीं आ रहा, आ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, 26, इसे बोला है यदि 5x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इक्वल टू 1 अपॉन 3। क्वेश्चन के अंदर वैल्यू निकालनी है एक्स प्लस 1 अपॉन 2x, ये चाहिए भाई। ऑप्शन दे रखे हैं इसने 15, 10, 20 और 5, ठीक है, चार ऑप्शन है भाई। देखो इस क्वेश्चन को समझो, क्या है, पूछ क्या रहा है, एक्स प्लस 1 अपॉन 2x। अब यहाँ पर देखो जो पूछ रहा है वही चीज हमें बनानी है, एक्स प्लस 1 अपॉन 2x चाहिए भाई। तो यहाँ पे मुझे हर हाल में x प्लस 1 अपॉन 2x बनाना ही बनाना, कहाँ से, यहाँ से। दो कैसे बनेगा, अपने आप दिख रहा है मुझे x क्या चाहिए, सिंगल चाहिए, यहाँ स्क्वायर है, तो स्क्वायर वाले को देखो सबसे पहले इसे सिंगल करना है, यहाँ सिंगल x है, यहाँ स्क्वायर है, सिंगल x करने के लिए किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से, कितना, 2x से, 2x से डिवाइड यहाँ भी करूँ, 2x से डिवाइड यहाँ भी करूँ, ऊपर नीचे दोनों साइड में क्या कर दूँगा, 2x से डिवाइड। तो देखो 5x अपॉन 2x ये कर दिया, इसी तरीके से यहाँ पर
एक्स स्क्वायर अपॉन टू एक्स प्लस फाइव एक्स अपॉन टू एक्स प्लस वन अपॉन टू एक्स इज इक्वल टू वन बाई थ्री। इस एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, इस एक्स से ये कैंसिल हो जाएगा, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, इस एक्स से ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, यानी ऊपर जो बन जाएगा बचेगा वो कितना बचेगा, फाइव अपॉन टू। नीचे का बचेगा भाई ये एक्स बचेगा, प्लस ये कितना वन प्लस टू एक्स, वन अपॉन टू एक्स, प्लस ये कितना पाँच बट्टे दो, प्लस पाँच बट्टे दो, और बराबर कितना है वन बाई थ्री। क्या करें भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा, ऑप्शन हटा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई कितना आ गया, फाइव बाई टू का इधर मल्टीप्लाई करेंगे पूरे में कितना हो जाएगा, पंद्रह बट्टे दो, पाँच थे पंद्रह, पंद्रह बट्टे दो बराबर कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वन अपॉन टू एक्स प्लस कितना है फाइव बाई टू। ठीक है, इसकी वैल्यू चाहिए हमें ये, तो एक्स प्लस वन अपॉन टू एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, पंद्रह बट्टे दो माइनस पाँच बट्टे दो, दोनों का एलसीएम कितना आएगा, दो ही आएगा, और पंद्रह में से पाँच माइनस करो कितना आएगा, दस, दस बट्टे दो, आंसर कितना आएगा इसका फाइव। ठीक है भाई, आंसर कितना आ जाएगा इसका फाइव, आगे समझ। तो भाई देखो, देखना हमें होता है ये चीज़ दे रखी है, ए वाली चीज़ बनानी किस तरीके से बनानी है वो तुम्हें देखना पड़ा। देखो यहाँ तो एक्स था और यहाँ दे रखा है एक्स स्क्वायर, तो सबसे पहले इस एक्स स्क्वायर को ख़त्म करना है, केवल सिंगल एक्स में लाना है, और कैसे आप आएगा सिंगल एक्स में भाई, ये तो स्क्वायर ख़त्म करना है और टू भी ख़त्म करना है, यानी टू एक्स से क्या कर दूँ, डिवाइड कर दूँ, जब टू एक्स से डिवाइड ऊपर भी कर देंगे नीचे भी कर देंगे, बस अपने आप निकल के आ जाएगा एक्स प्लस वन अपॉइंट टू एक्स बराबर फाइव। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या है, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 और 28 दो क्वेश्चन है भाई, दोनों क्वेश्चन तुम्हें खुद करने भाई, मैं नहीं बताऊंगा, ऑप्शन लिख देता हूं और कमेंट करके बताने भाई आंसर कितना है, एक्स अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस टू इज इक्वल टू वन बाई सिक्स। क्वेश्चन के अंदर पूछा है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू, इसके चार ऑप्शन हैं, टू कॉमा वन बाई टू, माइनस वन बाई टू और माइनस टू। ठीक है, पहला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है भाई, फोर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू फाइव। क्वेश्चन के अंदर पूछा है फाइव एक्स अपॉन फोर एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स प्लस वन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसके ऑप्शन दे रखे हैं वन बाई टू पहला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन है वन बाई थ्री, थर्ड ऑप्शन है टू बाई थ्री और फोर्थ ऑप्शन है थ्री। तो हमें क्या देखना भाई, यहाँ पर मुझे क्या बनाना है, इसमें से एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बनाना है। थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ भाई, यहाँ क्या करना पड़ेगा, इस टू एक्स स्क्वायर को क्या बनाना है, एक्स बनाना है। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर में देखेंगे, एक्स में लाना सिंगल, और सिंगल एक्स में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, टू एक्स से डिवाइड करना होगा, यहाँ भी टू एक्स है, यहाँ भी टू एक्स है, ऊपर नीचे टू एक्स से क्या कर देंगे डिवाइड, इसका आंसर बताना भाई कौन सा होगा। इसी तरीके से भाई ये फोर एक्स प्लस वन अपॉन फोर एक्स की वैल्यू दे रखी है और क्वेश्चन के अंदर फाइव एक्स प्लस फोर एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स प्लस वन की वैल्यू चाहिए। तो दोनों क्वेश्चन भाई तुम्हें ये बताना है, ठीक है, दोनों क्वेश्चन बताने, ठीक है, आज इतना ही करते हैं, 28 क्वेश्चन हो गए और 29 क्वेश्चन से अगली वीडियो में बताएंगे, वहीं से कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, कल मिलते हैं फिर।